नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज खबर तमिलनाडु और केरला की। तमिलनाडु के एक नेता हैं, नाम है सेबेस्टियन साइमन और उनकी पार्टी का नाम है एनटीके। उन्होंने एक बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कौन सी भारत माता, किसकी भारत माता, कौन पूछता है भारत माता को। और इसके साथ ही उन्होंने भारत माता के बारे में एक बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं जिन्हें हम यहाँ पे बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। एनटीके के चीफ जो सेबेस्टियन साइमन हैं, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु 1947 से पहले भारत का कभी हिस्सा रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत माता को मानता ही नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को अगर एक साड़ी और हाथ में तिरंगा दे देने से वो भारत माता थोड़ी ना हो जाएगी। सेबेस्टियन साइमन ने कहा है कि कल को मैं अपनी दादी को अगर इस तरह का कोई तिरंगा हाथ में दे के या फोटो खींच दूं और कह दूं कि ये भारत माता है, तो तमिलनाडु के लोग इसे थोड़ी ना मान लेंगे। वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी के जो चीफ है के अन्नामलाई, उनके बारे में भी बेहद आपत्तिजनक बातें बोली। उन्हें कहा कि कौन है अन्नामलाई, और अन्नामलाई को उन्होंने स्केयर्ड चिकन यानी डरी हुई मुर्गी करार दिया। उन्होंने कहा कि Z+ सिक्योरिटी लेकर एक आदमी घूम रहा है, अगर हिम्मत है तो वो सिक्योरिटी हटाकर तमिलनाडु में घूमकर दिखाए, तब पता चलेगा कि तमिलनाडु के लोग चाहते क्या है। एनटीके के चीफ सेबेस्टियन साइमन ने यहाँ तक कहा कि तमिलनाडु के लोग हिंदी भाषियों की गुलामी कभी नहीं सहेंगे और उत्तर भारत का प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन तमिलनाडु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप में से बहुत सारे लोगों ने जफर सिद्दीकी का नाम नहीं सुना होगा। जफर सिद्दीकी इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड, और उसका प्रभाव इतना कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, इस पूरे ड्रग कार्टेल का वो हेड है, जफर सिद्दीकी। और आप सोच सकते हैं कि सिर्फ वो हेड नहीं है, उसकी एक और पहचान है। उसकी पहचान है कि डीएमके के एनआरआई विंग का वो हेड हुआ करता था। और इसी फरवरी 2024 को उसे हटाया गया। और इसलिए हटाया गया क्योंकि यह साबित हो चुका था कि वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का बहुत प्रमुख चेहरा है। और अब एनसीबी ने उसी जफर सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो डीएमके का जो एनआरआई विंग का जो हेड है, वो इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड है। जो डीएमके का एक दूसरा सहयोगी है, एनटीके पार्टी, जिसे साइमन चला रहे हैं, सेबेस्टियन साइमन, वो भारत माता को गाली दे रहे हैं। कहानी इतने तक नहीं रुकती है। उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ कहा हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, वो इतनी बार चल चुकी है कि आप सबको पता होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही वो मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि मारन को सख्त हिदायत दी है कि आप जरा सोच समझ कर बात करें। आप कोई राह चलते हुए आदमी नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। उदयनिधि मारन ने सनातन धर्म को डेंगू, एड्स, मलेरिया, कॉलरा से तुलना किया था उन्होंने, और कहा था कि इन्हें सिर्फ दबाना नहीं है, हमेशा के लिए इरेडिकेट करना, मतलब हमेशा के लिए खत्म कर देना है सनातन को। तो एक और तमिलनाडु में यह विचारधारा, जिसके हेड स्टालिन खुद ईसाई, ये सेबेस्टियन साइमन खुद ईसाई, और इनके साथ गठबंधन जफर सिद्दीकी का। और जफर सिद्दीकी कौन हो सकता है, नाम से आप पकड़ सकते हैं। तो क्रिश्चियन मुस्लिम अलायंस ने भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड से पैसे आ रहे हैं इस कार्टेल को। और एनसीबी ने उसी ड्रग कार्टेल के हेड को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। तमिलनाडु में एक धारा राष्ट्रवाद की है जो कि बीजेपी के बहाने बह रही है, और दूसरी धारा इस तरह के लोगों की है जिनको सनातन मिटाना है, जो देश के खिलाफ ड्रग्स कार्टेल चलाते हैं, जो भारत माता को नहीं मानते, जो भारत को एक देश नहीं मानते। वो कहते हैं कि 1947 से पहले तमिलनाडु कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं, हम भारत माता को नहीं मानेंगे। तो तमिलनाडु के लोगों को फैसला करना है कि वो किसके साथ है। इतना ही नहीं, इस देश के लोगों को भी फैसला करना है कि वो किसके साथ है। क्या वो डीएमके जैसी पार्टियों के विचारधारा के साथ हैं जो जफर सिद्दीकी को लेकर चल रही है, जो सेबेस्टियन साइमन को लेकर चल रही है, या फिर वो AIA DMK जयललिता वाली या अन्नामलाई के साथ हैं, जो कि इस पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की बात कर रहे हैं, जो गर्व से कहते हैं भारत माता की जय। नमस्कार।